बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन। वैसे ये वीडियो हम आप लोग, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कहते होंगे कि भाई चैप्टर नंबर 1 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आपने क्यों सॉल्व करा दिया। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे हम चैप्टर नंबर 4 की सॉल्यूशन अपलोड किया है मैंने। मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद फर्दर डिटेल्स करेंगे हम। जी हाँ, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला वाला अगर आप देखें, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, वे प्रोड्यूस टॉर्क, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल एंड कपल। कपल प्रोड्यूस करेगा। अगर आप कपल की एग्जाम डेफिनेशन पर गौर करें तो वो यही डेफिनेशन है, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे प्रोड्यूस कपल। नेक्स्ट वाले पे जाएं, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड हेड टू टेल रूल एनी नंबर। इसके करेक्ट एनी नंबर क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जी, टॉर्क अगर आप देखें हेड टू टेल रूल, तो आप इसमें एनी नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर सकते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इसलिए इस तरह हम एनी नंबर वाला लगाएंगे। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स आर टू। हम देखें दो चीज़ें परपेंडिकुलर हों तो वो ऐसे होती हैं, तो यानी कि एक ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक ये दो, तो यानी कि दो कंपोनेंट्स हो गए। इस वाले का अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी, आंसर मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन 8.7 इसका आंसर है, ये कैसे आया, ये इस तरह से आया कि आप लोगों ने हॉरिजेंटल का जो एलिमेंट है वो एफ एक्स के इक्वल होता है। एफ एक्स का जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्थ चैप्टर में, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यानी कि 30 डिग्री हमारे पास थीटा था, तो हमने वो कॉस 30 लगाया। 10 हमें फोर्स 10 गिवन थी, यहाँ पे फिर हमने कॉस 30 0.866 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर 8.66 समथिंग आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.7 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर करेक्ट 8.7 है। अ कपल इज़ फॉर्म बाय टू अनलाइक इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अनलाइक फोर्सेस का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, ये वाला करेक्ट है। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, अ बॉडी इक्विलिब्रियम तब में होती है जब उसकी नेट एक्सेलरेशन जीरो होती है। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जब वो अपनी नई पोजीशन में डिस्प्लेस होती है तो वहीं रहती है। रेसिंग कार्स आर अनस्टेबल बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितनी गाड़ी जितनी ज़मीन के पास होगी उतनी ही उसमें ग्रेविटी और उसके व्हील्स में ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी और वो स्टेबल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सोल्यूशन एक्सरसाइज का कैसे हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे करना है। अदर डिटेल्स के लिए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियोस अपलोड कर दिया करूँ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4.2, डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है कि जब सारे वेक्टर्स को ऐड कर दिया जाए तो एंड पे एक जो रिजल्टेंट हम है, एक के टेल और एक के हेड को मिलाते हैं, तो वो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अ सिंगल वेक्टर दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज टू बी एडेड इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। टॉर्क आपको पता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है, जैसे कि आप दरवाज़ा घुमा के बंद करते हैं, या नलके की टूटी को खोलते हैं या बंद करते हैं, या शॉर्पनर पेंसिल शॉर्प करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जहाँ पर सारे किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स डाउनवर्ड एक्ट करते हों और वो बॉडी उस स्टेट में बैलेंस हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जहाँ पर सारे पॉइंट्स एक्ट कर रहे हों, एक बॉडी का जहाँ मास मैक्सिमम होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4.3, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको पता है बोर्ड में सबसे ज़्यादा
अप्रिशिएबल तरीका यही होता है कि अगर डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आया है तो आप उसको दरमियान में इसी तरह लाइन लगा कर करें तो वो एक अच्छा इफेक्ट देता है। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, आपने लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस की डेफिनेशन लिखी है, आपको डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दी हैं उनकी डेफिनेशन लिखें, उनकी एक एक एग्जाम्पल लिखें और दोनों में एक सिमिलर पॉइंट, एक में सिमिलर है और दूसरे में नहीं है, वो आपने लिखना है। टॉर्क एंड कपल ये मोस्टली पेपर्स में आ चुका है, ये मेरे बोर्ड के पेपर में भी था। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी पोजीशन से मूव कराते हैं तो वो उस पोजीशन में वापस आ जाए तो वो स्टेबल है, और अगर आप उसको फेंक दें अपनी जगह पर वापस ना आए तो उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। जी हाँ, अब जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबल टॉर्क ये सब उन्होंने डेफिनेशन के तौर पर लिखा है, मैंने आपको स्टेप्स पे बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन, हेड टू टेल रूल हेल्प टू फाइंड अस द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। आपने देखा होगा जैसे कि ये एक हेड एक टेल, एक फोर्स जो यूं एक्ट कर रही है, दूसरी यूं एक्ट कर रही है, तीसरी यूं एक्ट कर रही है, चौथी जो है हम उन दोनों को मिला के रिजल्टेंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सारी फोर्सेस कहाँ पे कलेक्टिवली एक्ट कर रही हैं। आप इसका आंसर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं या अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। हाउ कैन अ फोर्स रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता होगा, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, उसके बाद आपने इसकी डेरिवेशन ये सारी लिखनी है जो कि यहाँ पर आपकी बुक में भी गिवन है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लॉन्ग में भी पार्ट्स आ जाते हैं। When a body, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है when a body is said to be in equilibrium, आपको मैंने अभी बताया कि when a no net force is acting on a body, the body is said to be in equilibrium। आपने एक एरोप्लेन देखा होगा, आपने एक पैराट्रूपर देखा होगा, वो सब के सब इक्विलिब्रियम में होते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं लेकिन लगता भी नहीं। नेक्स्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन when a body is said to be in equilibrium, और फिर आपने कंडीशंस भी लिखनी है, पहले डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है, फिर कंडीशंस आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन आधा पूछा है, कंडीशंस जब पूछेंगे तो आप बताएंगे लेकिन जब पूछें तो पूरी बतानी है। why there is need of second equilibrium for if a body satisfies first condition। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल का मतलब समझा देती हूँ कि जो पहली कंडीशन है बॉडी इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लेकिन स्टिल उसमें टेंडेंसी होती है कि वो मूव कर सकती है क्योंकि वो जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो एक लाइन में एक्ट नहीं कर रही होती। जैसे कि आप देखेंगे सेकंड जो है यहाँ पे इस तरह अगर एक लाइन में एक्ट करेंगी तो बॉडी, या इस तरह अगर एक्ट करेंगी तो बॉडी को टेंडेंसी होगी मूव करने की, जब बॉडी मूव कर जाएगी तो फिर वो इक्विलिब्रियम में प्रॉपरली नहीं रहेगी, अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा क्योंकि आपको पता है मूव करने से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, नेट टॉर्क भी ज़ीरो होगा और सेकंड कंडीशन भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ व्हेन द समेशन टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑल द नेट टॉर्क इज़ ज़ीरो। देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी मूविंग इन इक्विलिब्रियम, अ कार, अ पैराट्रूपर, आप भी दे सकते हैं। थिंक अप अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल आंसर बताऊँगी कि एक जो बॉल है उसको आप ऊपर करते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि छोटा सा आंसर बताती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक आंसर यहाँ पर लिखा है, ये आंसर जो है इसका प्रॉपर आंसर है, वहाँ पर काफ़ी डिटेल दी गई है उसकी बुक में, तो आप ये वाला आंसर कॉपी कर सकते हैं, ये इंतहाई इजी है और समझने में भी बहुत आसान है कि आप जब एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं सम प्लेस पे आके उसकी मोशन ज़ीरो हो जाती है और वो रुक जाता है, वहाँ पर उसकी ये नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है लेकिन वो रेस्ट पे भी होता है और इक्विलिब्रियम में नहीं होता। वैसे तो हम कहते हैं ना कि जो चीज़ रेस्ट पे है वो इक्विलिब्रियम में भी होगी लेकिन इस केस में ऑपोजिट होता है। जी हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी,
फर्स्ट इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन जो है वो यही है कि अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं करेगी, वो बैलेंस्ड नहीं होगी। जब टू फोर्सेस एक्ट करेंगी तो वो बैलेंस होंगी, और एक लाइन में एक्ट करेंगी तो तभी वो फोर्स जो है बैलेंस्ड होगी और बॉडी मूव नहीं करेगी। इसका ये आंसर बताना है आपने, जो मैंने सारा उर्दू में बताया है। इन पॉइंट्स को आप जहन में रख सकते हैं। एक्सेलरेट इनडेफिनेटली या ये वाला लिखें या जो मैंने आपको बताया है उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। फिजिक्स में आपको नंबर कॉन्सेप्ट के मिलते हैं। वाई द हाइट ऑफ द वहीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, तो आप इसका सिंपल सा आंसर दें यहाँ से। द हाइट ऑफ द वहीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल टू मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टू मेक इट मोर स्टेबल। और ये जो है व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल अनस्टेबल, ये आप अपनी बुक से डेफिनेशन 3 उतार सकते हैं। अब मैं आपको फिर प्रॉब्लम्स का बताती हूँ। जी हाँ, अगर आप देखें, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। 10 न्यूटन फोर्स, न्यूटन आपको पता है फोर्स का होता है, अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कह क्या रहा है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ न्यूटन। तो आपने करना क्या है, 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों एफ एक्स के कॉम्पोनेंट हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 न्यूटन एफ एक्स आपका, एफ वाई जो है 6 न्यूटन रहेगा, दोनों 6 न्यूटन हैं। आपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप रिजल्टेंट फोर्सेस का स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करते हैं। एफ एक्स का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, और इस तरह से 72 आएगा। अगर तो आप 72 को इस तरह रख सें, लेकिन वो आप अगर सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अंडर रूट 72 अपने कैलकुलेटर में प्रेस करें तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी 8.5 न्यूटन। अब आपने फाइंड करनी है डायरेक्शन, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर थीटा इज इक्वल टू ओवर एफ एक्स, यानी कि 6/6 tan इनवर्स, तो ये आता है 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा सेट के न्यूमेरिकल है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कॉम्पोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कॉम्पोनेंट इज 5 न्यूटन। एक्स कॉम्पोनेंट है 12 न्यूटन, वाई कॉम्पोनेंट है 5 न्यूटन। आई एम सॉरी, इट वॉज 3, मैंने 3 वाला पहले करवा दिया, इट्स ओके। एफ एक्स जो है वो 12 न्यूटन है, एफ वाई 5 न्यूटन है। करना है एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। करना आप लोगों ने क्या है, एफ फाइंड करनी है एंड थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले अगर आपने एफ फाइंड करनी है तो आप लोगों ने करना क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 अंडर रूट बिकम्स 169 अंडर रूट इज इक्वल टू 13 न्यूटन। फोर्स आपकी आ गई। अब आपने डायरेक्शन के लिए थीटा का फार्मूला लिखना है, tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स, एफ वाई आपका था 5, एफ एक्स था आपका 12। आप लोगों ने करना क्या है, tan इनवर्स ऑफ 5/12। सबसे पहले आप लोगों ने 5/12 करना है। कैलकुलेटर देख सकते हैं, tan इनवर्स इसका हम निकालेंगे
आंसर का, तो हमारे पास निकलेगा 22.6 डिग्री। तो हमारा विद एक्स एक्सिस के एस्पेक्ट से हमारा निकल आया है आंसर ये थर्ड वाले का, थर्ड न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स अगेन एफ एक्स हमें नहीं पता इस न्यूमेरिकल में और एफ वाई हमें नहीं पता। हमारे पास फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है और हमारे पास थीटा उन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इस सारे डेटा को एफ एक्स के फॉर्मूला में पुट करके देखना है। एफ एक्स आपके पास नहीं है तो आप एफ एक्स ऐसे लिखेंगे 50 cos 30 डिग्री। सेम फॉर द वाई, एफ वाई इक्वल्स टू 50 sin 30 डिग्री। अब आपने इनको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपके पास दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये कैलकुलेट कर लिए हैं, अब दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम अपने फोर्थ वाले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं जो कि है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली। एक 100 न्यूटन फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली के एक 100 न्यूटन की जो फोर्स है हम उसे परपेंडिकुलरली अप्लाई करें। परपेंडिकुलर आपको पता है कि दो चीज़ें जब ऑपोजिट 90 डिग्री के एंगल पे अप्लाई होती हैं। ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, स्पैनर आपने देखा होगा जो यूं करके यूं होता है जिसमें हम नट वगैरह अक्सर टाइट करते हैं। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, एक नट से एक स्पैनर तक 10 सेंटीमीटर का फासला है और 100 न्यूटन फोर्स लग रही है। फाइंड द टॉर्क, आपको पता है टॉर्क का फार्मूला, फोर्थ टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल, फोर्स हमारी जी 100 न्यूटन और एल हमारा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 100 मीटर्स होते हैं और हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बिकम 0.1 मीटर। तो आपने 100 को यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर यानी कि एल, तो आंसर हमारा आएगा 10 न्यूटन मीटर जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। जी हम न्यूमेरिकल नंबर 5 कर रहे हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यानी कि थीटा विथ द हॉरिजेंटल यानी कि एफ एक्स। द हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स इज 20 न्यूटन यानी कि एफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एफ एक्स एफ कॉस थीटा का है, हमने इसमें एफ फाइंड करनी है। कॉस थीटा हमारे पास है जी 30 डिग्री, तो हम इस जिस चीज़ को फाइंड करना है सबको उस तरफ लेके जाएंगे। 20 डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ, आंसर हमारे पास आएगा 23.1 न्यूटन। ये हमारे फिफ्थ वाले का आंसर था। अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं द स्टेयरिंग ऑफ अ कार यानी कि 4.6 हैज़ रेडियस 16 सेंटीमीटर, द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। आपने अगर कपल देखा हो तो वो दो अनलाइक फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक फोर्स जो कि है यूं, एक फोर्स जिसकी डायरेक्शन है यूं, यानी कि दो अनलाइक और डायरेक्शनल फोर्सेस और इक्वल, यानी कि अगर यहाँ 50 फोर्स लग रही है न्यूटन, यहाँ भी 50 न्यूटन ही लग रही है, तब हमारा कपल प्रोड्यूस होता है। जैसा कि वो कह रहे हैं यानी कि एल जो है स्टीयरिंग व्हील जो है उसका रेडियस जो है वो है, यानी कि रेडियस होता है मोमेंट आर्म, यहाँ पर मोमेंट आर्म की टर्म्स में लेंगे हम, तो आएगा 16 सेंटीमीटर जो कि गिवन है क्योंकि हमने इसको मीटर में करना है। मैंने आपको पहले भी बताया 16 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.16 मीटर। फिर आप लोगों ने कपल आर्म यानी कि अब कपल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर बात है जितनी फोर्स लग रही है एक साइड पर, अगर एक साइड पर 16 न्यूटन फोर्स है दूसरी साइड पर भी 16 होगी तो कपल प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज इट वोंट बी अ कपल। तो आपने क्या करना है, टू यानी कि दो साइड से लग रही है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ से एक ये साइड हो गई
एक ये साइड होगी, 2 × 0.16, तो ये हो जाएगा 0.16 के साथ हम इसका कपल आर्म प्रोड्यूस कराएंगे। टॉर्क जो है वो, क्योंकि वो होता है F मल्टीप्लाई बाय L, तो ये L के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये दोनों साइड से L है, एक L ये एक L ये। तो आपने जो फोर्स है वो 50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो हमारा आंसर आएगा 16 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस हुआ है, जो कि हमारा 6 वाला भी यहाँ पर हो गया है। अपने 7th वाले न्यूमेरिकल की तरफ, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। यानी कि कह रहे हैं नंबर 7 में एक जो पिक्चर है वो दीवार पर लगी हुई है, दोनों स्ट्रिंग्स के साथ लगी हुई है, तो एक स्ट्रिंग की जो टेंशन, आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स एक्ट करती है वो टेंशन की सूरत में करती है, 4.4 का रही है, तो इस पिक्चर का वेट कितना होगा। ठीक है, अब हम टेंशन 1 करेंगे 4.4 न्यूटन, टेंशन 2 करेंगे 3.8 न्यूटन। टेंशन भी एक किस्म की फोर्स होती है, स्ट्रेच्ड फोर्स। वेट हमें करना है फाइंड। हम करेंगे क्या कि चूँकि ये जो पिक्चर है, आपको मेरे आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो पिक्चर है ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये दोनों साइड से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये पिक्चर मूव नहीं कर रही, एट रेस्ट है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में समेशन एफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, समेशन एफ एक्स है 0, समेशन एफ वाई भी 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो टेंशन है इस वक्त वेट से ज़्यादा एक्ट कर रही है, अगर टेंशन वेट से कम होती तो जो पिक्चर है वो ज़मीन पर गिर जाती। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू में फिर W जो है वो पिक्चर का वेट है, T दो एक्ट कर रही हैं तो T1 + T2, यानी कि हो जाएगी M, यानी कि T1 T2 को हम इसी तरह अगर लिख दें 3.8 + 4.4 इज इक्वल टू वेट, तो ये हो जाएगा 8.2 न्यूटन वेट ऑफ द पिक्चर। सही हो गया। अब हम 8th वाले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। 2 ब्लॉक्स ऑफ मैसेस 5 kg and 3 kg आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। देख सकते हैं 2 ब्लॉक्स हैं, वो दोनों सस्पेंड हुए हुए हैं एक स्ट्रिंग से, एक का मैस है जी 5 kg, एक का मैस है जी 3 kg। तो हम लोगों ने करना क्या है, दोनों का टेंशन, एक यहाँ पर टेंशन है एक यहाँ पर टेंशन है, दोनों साइड्स पर अलग टेंशन है, यानी कि 2 अलग टेंशन फाइंड करनी है। आप लोगों ने करना क्या है, T1 W1 + W2, क्योंकि एक जो है एक ही धागे से दोनों बंधे हुए, तो ये दोनों के वेट्स प्लस होंगे, तो क्या होगा 5 + 3 = 8 kg। तो हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर T जो है 1 = W, T हमारे पास जो आ जाएगा W टोटल, तो हम करेंगे क्या, T = mg, m हमारे पास टोटल 8 आया है, क्योंकि दोनों के वेट्स को आप प्लस करें तो 8 आता है, प्लस 8 × 10 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, ये हमारे पास पहली आई। दूसरी जो है वो भी mg, दूसरे के लिए भी mg, यानी कि 3 × 10 = 30 न्यूटन।
पहले वाले वेट के लिए हम लोगों ने दोनों ऐड किए, क्यों? क्योंकि पहले वाली टेंशन में दोनों मैसेज ऐड हो रहे थे, दूसरी वाली जो वेट है उसमें खाली यहाँ से यहाँ तक का हम प्रोसेस कर रहे हैं, तभी यहाँ खाली हमने 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में हमने दोनों का मैस प्लस करके जी से मल्टीप्लाई किया था। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप डायलॉग बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9, जो कि सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। अ नट हैज़ बीन टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक नट है, उसके ऊपर फोर्स 200 न्यूटन लगाई गई है ताकि स्पैनर से, और यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। स्पैनर जो आपको पता है नट टाइप किए जाते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैनर इज रिक्वायर्ड टू लूज द सेम विद 50 न्यूटन फोर्स। अब मैं आपको बताती हूँ ये कह क्या रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 9 कह रहा है, एक नट है, उसके ऊपर फोर्स लगाई है 200 न्यूटन की, जिससे वो टाइट हुआ है, और उस वक्त हमारे पास स्पैनर यानी कि मोमेंट आर्म जिससे लगाई जाती है फोर्स, उसे लाइन ऑफ एक्शन यानी मोमेंट आर्म कहा जाता है, वो थी जी 10 सेंटीमीटर। मींस कि 10 / 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और अब हम अगर फोर्स, अब वो कह रहा है कि फोर्स हम 150 न्यूटन लगाएं, तो उसी नट को हम कितने लंबे स्पैनर से करेंगे, तो फोर्स अगर ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली, अगर फोर्स कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको तो रिलेशन पता होगा। तो अब हमने करना क्या है, दोनों टॉर्क्स को कंपेयर कर लेना है, क्योंकि एक ही नट है उसको टाइट करना है सेम नट को, तो इसलिए दोनों टॉर्क्स को हमने कंपेयर किया है। 200 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये F इंटू L होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय L2 डिवाइडेड बाय 150 ऑन बोथ द साइड्स। तो आपका आंसर जो है L2 का वो होगा 0.133 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करें, 13.3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर चाहिए होगा। अब देखें, आप लेंथ ज़्यादा हो गई, फोर्स कम हो गई, फोर्स ज़्यादा हो गई, लेंथ कम हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वाले न्यूमेरिकल को कराने का एक स्पेशल तरीका है मेरे पास, जो कि इनकी बुक्स में नहीं है। वो एक स्पेशल तरीका ये है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg is suspended at a distance of 20 सेंटीमीटर from the center of uniform bar 1 meter long। यानी कि एक 1 meter long bar है, उसके साथ एक 10 kg का mass जो है वो suspend हुआ है, और distance of 20 सेंटीमीटर from the center, अगर इसका center ये है mid में, तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर का फासले पे है। आपको पता है यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बार। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तो पढ़ा ही होगा, जब इक्वल फोर्स होती हैं तभी बैलेंस होती हैं। तो आप अगर देखें, 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। फोर्स से सुनिएगा मेरी बात, अगर हम इसका हाफ करें तो वो होगा 50, यानी कि 50 साइड पर। आपने करना क्या है, अगर यहाँ पर ये इस वक्त यहाँ फोर्स F1 जो है वो वेट की सूरत में लग रही है, तो यहाँ पर भी हमें वेट की सूरत में ही लगानी पड़ेगी F2। यहाँ F1 जो है हमारे पास है 10 न्यूटन वेट की सूरत में, और F2 हम कितनी लाएँ कि ये बैलेंस हो जाए। आप कहेंगे यहाँ 10 है तो यहाँ पर 10 है, नहीं, इसका डिस्टेंस यहाँ से कम है, इसका डिस्टेंस यहाँ से हमें पूरा एंड पे लगाना है, इसको 20 सेंटीमीटर नहीं लगाना, इसको इन्होंने लगाया हुआ था क्योंकि ये उनकी कंडीशन थी। आपने क्या करना है, ये जो है इसका, ये जो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जाहिर बात है जब यहाँ पर वेट नहीं होगा ये तो नीचे मूव कर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये नीचे मूव कर जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। ये जो है ये L है, यहाँ पर इस वक्त ये लाइन ऑफ एक्शन के तौर पर कर रहा है, ये L1 हमारा 20 सेंटीमीटर, F1 हमारा 10 सेंटीमीटर। हमने करना क्या है कि हम लोग जो हैं, अगर फोर्स हमारी वेट की सूरत में लग रही है तो वो mg,
यानी कि वेट हमारा, मास हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। टोटल हमारे पास जो है वेट mg की सूरत में है, कि फोर्स हमारी है 10 न्यूटन, फोर्स आर्म होगा हमारा 50 सेंटीमीटर। वो किस तरह, मैंने आपको बताया 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, उसका हाफ किया जाए तो फिर ये होता है। अब हम करेंगे फोर्स इनटू फोर्स आर्म इज इक्वल टू वेट इनटू वेट आर्म। वेट आर्म वो डिस्टेंस है जिस पे वेट लगा हुआ है। वेट कितना है हमारा 10, वेट आर्म कितना है हमारा 20, फोर्स कितनी है हमारी नहीं पता, फोर्स आर्म हमारा कितना है अगला 50। आप इस साइड पे 50 को डिवाइड करें, इस साइड पे 50 को डिवाइड करें, कैंसिल करें, 10 2s are 100, 10 20s are 2000, डिवाइड बाय 50, 0 0 से कैंसिल, 5 4s are 20 और 0। तो हमारे पास अगली जगह पे 40 न्यूटन वेट लगाना होगा। जी आज हमारे फोर्थ चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दी है। होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर एजुकेशनल आर्टिकल्स। थैंक यू।